नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी और मैं हूं रूना आशीष। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, चेटी चंद की शुभकामनाएं, उगाड़ी की शुभकामनाएं। और हमारे देश में कई रंग हैं, कई सारे उत्सव हैं, तो जितने भी उत्सव हैं पहले दिन साल के, मेरी तरफ से उन सबकी शुभकामनाएं ले लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो इनका शो रहा है, जो कि शालत में हुआ है, और वो कैसा रहा है इसी का रिव्यू देने के लिए मैं आ गई हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा दिल नहीं भरा, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे और सुनना है। इतना कम क्यों गा रहे और क्यों नहीं गाते ये लोग। सर्टनली अब नए साल के पहले दिन मुझे इतनी अच्छी आवाज सुनना मिल गई है, लेकिन क्या है कि दिल लालची है, हर चीज जानना चाहता है, हर चीज पाना चाहता है, लोगों को खूब सारा सुनना चाहता है। चलिए शुरुआत करते हैं, साली से शुरुआत हुई है, बाहों में चले आओ फिर आओ ना, अजीत दास था, एक मैं और एक तू, टिप टिप बरसा पानी, आई लव दैट सॉन्ग, और कितनी अच्छी है, और दिलबरो, ये गाने ऐसे हैं जो साइली के गाने बन चुके हैं, अब ऐसा हो गया है। एंड सबसे ज्यादा मजेदार जो मुझे साइली के पूरे परफॉर्मेंसेस के समय में लगा है, उनकी गरबा, वो जब वो गा रही थी, और स्पेशली शालेट वाले लोग क्या झूम कर नाच रहे थे, वो भूल गए थे कि वो कहाँ है, दे वर जस्ट डांसिंग, वाओ, हर कोई नाच रहा है, लेडीज क्या, जेंट्स क्या, सब आपस मिलजुल कर नाच रहे हैं, अलग अलग नाच रहे हैं, बट इट वॉज फन टू वॉच देम डांसिंग ऑन गरबा सॉन्ग्स। उसके बाद अरुणिता आई, एक तो शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी एज यूजुअल, आई ऑलवेज से दैट शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, बहुत सुंदर दिखती है, और फिर ऊपर से गाना तो माइंड ब्लोइंग, किलिंग है उसकी आवाज, अगर तुम साथ हो। और इसके बाद जो उनका कॉन्वर्सेशन था लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ, वो बड़ा इमोशनल सा हो गया था। वो कह रही थी कि कैसे हम लोगों ने पिछले एक महीने में बहुत सारी जगह पर परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और ये लास्ट परफॉर्मेंस है जो कि शालक में हो रहा है, और बहुत अच्छी भी फीलिंग है और थोड़ी सी सैड फीलिंग भी है, बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग है। सो वो सुनकर ना सब लोग एकदम चुप हो गए थे, सब शांति से उसकी बात सुन रहे थे, और मैं भी अग्री करती हूँ इस बात से कि एक महीने से वो सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं, सो एक वो इमोशनल बॉन्डिंग भी लोगों के साथ और उस देश के साथ हो जाता है, विच आई थिंक अरुणिता वॉज रियलाइजिंग, और वो शेयर कर रही थी अपनी फीलिंग, सो अच्छा लगा देखकर। ऊर्जा काले कावा और फिर मेरी सांसों में लग जा गले, और सत्यम शिवम सुंदरम की तो इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मतलब उनको थक हार के ना ऐसा लगा कि चल यार अब तो एक दो गाने के बाद गा रहा था, अभी गा ही देती हूँ, फाइनली सब लोग इतना सुनना चाहते हैं। तो ये गाना तो सर्टनली इसके तो यूट्यूब पे भी इसके व्यूज आप देख सकते हैं, बहुत कमाल के चल रहे हैं। एंड एक गाना जो ये गाती है, जो भेजी थी दुआ, फ्रेंड्स बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, बहुत ज्यादा राग रागिनियां हैं, जितना मैंने सुना है उस गाने को लगता है बड़े सारे उतार चढ़ाव इस गाने में आते हैं, और अरुणिता वो उन उतार चढ़ावों को बहुत परफेक्टली गाती हैं। उनका जो गाने का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है, इतनी इतनी आसानी से वो ये वाला गाना गा देती है, लगता है कि ये गाना उन्हीं के लिए बनाया गया है। सो इनका ये वाला भेजी थी दुआ वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल, बहुत मजा आ रहा था, और फिर साइली को भी उन्होंने बुलाया, एंड हाँ खामोशिया एंड अलविदा, इस बीच जो उनका बंगाली पोर्शन था वो बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब ये वाले गाने, शायद ये वाली लिस्ट अब वापस सुनना नहीं मिलेगी। सो एवरीबडी वॉज इमोशनल, येट एंजॉइंग, येट मिसिंग, एंड येट देवर लाइक नहीं नहीं और एंजॉय करना, और गाते रहिए और गाते रहिए। और फिर जब साइली और अरु आए थे रघुकुल रीत, यार और क्यों नहीं गा रहे हो, मुझे तो बस ये लगता है, कितना सुंदर गाती हैं दोनों लड़कियां आपस में मिलजुल कर, वो जो स्वर निकालती हैं, जो एक दूसरे को समझ कर गाती हैं, इट इज रियली माइंड ब्लोइंग। और फिर पवनदीप आए शायद, और उसके अलावा जो तुम ना हो, मितवा, सानू एक पल चैन नावे, माई तेरी चुनरिया, ये वाला गाना गाया, और फिर कीबोर्ड पर बैठे, और फिर आने वाला पल, आज जाने की इज्जत ना करो, ये वाला गा रहा था कीबोर्ड पे, जब वो बैठे थे तो बहुत शांति से गा रहे थे, हर कोई बहुत शांति से सुने जा रहा था, वो मंत्रमुग्ध होकर सुने जा रहे थे, आज के भी जो दर्शक या श्रोता जो भी कहना चाहे वो सब। एंड फिर उसके बाद ना जब वो गाना गा रहे थे आज जाने की इज्जत ना करो, तो बीच में से कोई चिल्लाया भी था नहीं जाएंगे। सुन के शायद पवन को भी हंसी आ गई और मुझे भी हंसी आ गई थी, इट वॉज नाइस। कई सारे जो वादा किया, लंबी जुदाई, लगन लागी, कच्चे धागे, कलंक, जालिमा, चन्ना मेरेया, कुछ पंजाबी सॉन्ग्स भी थे, तू सब जानता है, और
मैंने छत्ती छत्ती मिली वाला गाना मैंने पहली बार उनकी जुबान से सुना है. इट वॉज न्यू सॉन्ग सो अच्छा था. और फिर सब लोग चिल्लाने लगे तेरी मिट्टी तेरी मिट्टी तेरी मिट्टी. एंड सर्टनली ये वाला गाना मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल गाना है वो भी बहुत सुंदर गाया गया है. लेकिन जब पवन गाते हैं तो इसमें कुछ अलग सी आत्मा डाल देते हैं. इस गाने में कुछ अलग ही मैजिक हो जाता है. सब लोग ये गाना इसकी डिमांड कर रहे थे और फाइनली ये वाला गाना गा दिया. और एक दुख हुआ कि उफ, अब ये भी गाना सुनना नहीं मिलेगा, ये फ्लो भी सुनना नहीं मिलेगा, ये लास्ट शो है. इसके बाद डुएट आया पहला नशा, पेट नहीं भरा. फिर दानिश आए काटू कैसे, आफरीन रश के कमर, फिर पवन ने ढोलक भी बजाया. और इस बीच पवन लाइव पर भी उन्होंने एक दो बार अपनी झलक दिखला दी थी तो अच्छा लग रहा था. वो भी हल्का हल्का सुरूर ऑल्सो नाइस. फिर सभी लोगों को स्टेज पर बुलाया गया, सभी लोगों को सम्मानित किया गया. वो अच्छा मोमेंट था. उस टाइम में जो सब लोगों के इमोशंस थे, इन सभी परफॉर्मर्स के इमोशंस या बैंड मेंबर्स के इमोशंस या फिर सोनी टीम के इमोशंस, वो देखकर ना एक बहुत हाई पॉइंट था वो उस पूरे परफॉर्मेंस का. आई मीन वो पीक पर चला गया था व्हेन एवरीबॉडी इज जस्ट चेयरिंग अप, जस्ट मस्ती किए जा रहे थे, सब उनके लिए पागल हुए जा रहे थे, उनकी बातें हो रही थी. वो इतना सुंदर मोमेंट था कि ऐसा लगता है कि वो मोमेंट वहीं पर बरकरार रहे. हालांकि इस बीच बहुत सारे फैंस ने बहुत सारी सेल्फी भी लेने की कोशिश की, हाथ से छूने की कोशिश कर रहे थे. एक मनीष जी तो उन्होंने तो अपनी देखी पिक्चर भी भेज दी मुझे, और हिना ने भी अपनी पिक्चर्स मुझे भेज दी हैं. सो आप दोनों को बहुत सारी बधाइयां. और इस बीच लोगों के कमेंट्स भी इतने सुंदर आ रहे थे कि सुन सुन के मजा आ रहा था, देख देख के मजा आ रहा था. ओवरऑल इट वॉज माइंड ब्लोइंग, ओवरऑल इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड. मैं पता नहीं किस प्लान पे घूम कर आगे, मुझे ऐसा लगा अच्छा था. सभी लोगों ने जुगनी गाया, आंखें शराबी आंखें गाया, फिर किसी होटल में जाए ये वाला गाया, फिर दमादम मस्त कलंदर ये वाला गाया. और क्या माहौल था यार, क्या माहौल था. सब कुछ था लेकिन एक मिसिंग था. ऐसा लगा कि उफ, अब ये लिस्ट सुनना नहीं मिलेगी, अब ये गाने सुनना नहीं मिलेंगे, अब ये चारों इस देश में अभी आएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो इस माहौल को जितना चुरा कर रख सको उतना चुरा कर रखने की इच्छा हो रही थी. ऐसा लग रहा था कितना कम गाया है, और क्यों नहीं गाया, पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, और क्यों नहीं गाते. लेकिन फिर भी एक अच्छी सी याद है, अच्छी सी फीलिंग है कि ये लोग बहुत सारे दिलों को जीत कर लौट रहे हैं. ये मेरा कहना है, आपका क्या कहना है जरा लिख कर बताइए. जय हिंद.